हे एवरीवन, तो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी? ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, जिस चीज का था बेसब्री से इंतजार, मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते थे कि सर आप क्रिया शरीर कब पढ़ाएंगे, पदार्थ विज्ञान कब पढ़ाएंगे, अभी तो काफी सिलेबस बाकी है। सो गाइस, अब आप टेंशन मत लीजिए, अगले 15 से 20 दिन में मैं टर्म 2 का सिलेबस क्रिया शरीर का पूरा कंप्लीट करा दूंगा। एक बार बस मेरे को किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने की देरी होती है, जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूं तो आप देखना अगले 15 से 20 दिन में आपके पास क्रिया शरीर का भी काफी सारा कंटेंट होगा। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम कफ दोष पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको कफ दोष की इंपोर्टेंस बता देता हूँ कि इस चैप्टर से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। हालांकि जब आप एनसीईआरटी का सिलेबस देखेंगे तो वहां पर स्पेसिफिक ये नहीं बताया गया कि कफ दोष इतने मार्क्स का पूछा जाएगा, लेकिन वहां पर कुछ टॉपिक बताए गए, जैसे कि सबसे पहले उन्होंने बोला क्या, वात दोष, है ना। सबसे पहले इन्होंने बोला वात दोष, ठीक है, वात दोष, उसके बाद पित्त दोष, ठीक है, पित्त दोष, उसके बाद तीसरा जो टॉपिक इन्होंने बताया कफ दोष, ठीक है, कफ दोष, उसके बाद दोष की वृद्धि और क्षय, है ना। चौथा टॉपिक इन्होंने क्या बताया, दोषों की वृद्धि और क्षय, दोषों की वृद्धि और क्षय, दोषों की वृद्धि और क्षय, और उसके बाद एक टॉपिक और, एक टॉपिक जो कि क्या है आपका क्रियाकाल, जो कि क्या है क्रियाकाल, ठीक है। तो ये पांच टॉपिक, ये पांचों टॉपिक किसके हैं, पेपर वन के टॉपिक है, पेपर वन के टॉपिक है, और इस पेपर वन में ये पांच टॉपिक में से कितना मार्क्स का पूछा जाएगा, 26 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, अगर मैं दोष की बात करता हूं तो या तो आपसे एग्जाम में सिर्फ वात दोष के बारे में पूछ ले, या तो पित्त के बारे में पूछ सकता है, या कफ दोष के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, अगर मान लो इन तीनों में से टॉपिक आता है तो किस प्रकार से पूछा जाएगा, अगर मान लो वात से आ गया, या पित्त से आ गया, या मान लो कफ से आ गया, ठीक है, तीनों में से एग्जाम में किसी एक से टॉपिक से आ सकता है। ठीक है, तो किस तरह से पूछा जाएगा, आपसे पूछ लेगा पित्त की क्या बताइए, आप निरुक्ति बताइए, पित्त की क्या बताइए, व्युत्पत्ति बताइए, पित्त के स्थान बताइए, पित्त के भेद बताइए, पित्त के कर्म बताइए। ठीक उसी प्रकार से कफ से भी आपसे पूछ लेगा, कफ की निरुक्ति बताइए, कफ की व्युत्पत्ति बताइए, इसके कर्म बताइए, स्थान बताइए, भेद बताइए। ठीक है, तो इस तरह से इन तीनों टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो एग्जाम में वात में से पूछ लेगा, या पित्त में से पूछ लेगा, या कफ में से पूछ लेगा। ठीक है, 5 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है और यहाँ पर 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज मैं आपको कफ दोष पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, अब ये जो कफ दोष टॉपिक है, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको मैं जो दोष टॉपिक है उससे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, क्योंकि अभी तक हमने क्रिया शरीर पढ़ी नहीं है ना, और उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है दोषों का वो भी मैंने आपको नहीं बताया। तो मैंने ये थोड़ा डिसाइड किया कि आपको मैं थोड़ा सा दोष के बारे में बता दूं कि आखिरकार ये दोष क्या होते हैं। ठीक है, किस किस महापुरुष से कौन सा दोष बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दोष का कॉन्सेप्ट बता देना चाहता हूँ, मतलब आप मेरे को सिर्फ 10 मिनट दीजिए। हालांकि देखो इतना टाइम हो गया है ना, अब आपको भी आयुर्वेद में आते हुए काफी ज्यादा समय हो गया है, तो आपने दोष के बारे में काफी ज्यादा चीजें सीख ली होगी, दोष क्या होता है ये भी आपको पता है, लेकिन मैं अपनी साइड से थोड़ा सा आपको मैं दोष के बारे में बता देता हूँ, ताकि आप डायरेक्ट कफ दोष अगर मैं चालू करूंगा तो आप क्या करेंगे, मेरे से कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। मैं अपने हिसाब से आपको मैं दोषों के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके गुण को देखेंगे, इसके कर्म को देखेंगे, इसके स्थान को देखेंगे, इसके भेद को देखेंगे, ऐसे करके हम डिटेल में कफ दोष को पढ़ेंगे। तो चलिए टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर ले चलता हूँ और आपको सबसे पहले मैं दोष का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आप क्या कर पाएंगे, कोरिलेट कर पाएंगे। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक, देखिए सबसे पहले हम आते हैं इस पर। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले क्या कर देता हूँ, दोषों का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। तो देखिए दोष क्या होता है, दोष क्या होते हैं, सबसे पहले हम दोष की डेफिनेशन देखते हैं, है ना। आप सभी को पता होगी, इतना टाइम हो गया आप सभी को तो पता तो होना ही चाहिए। ठीक है, दोष क्या होता है, दोष क्या होते हैं, तो दोष की डेफिनेशन आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी, है ना। 10 मिनट दो मेरे को, 10-15 मिनट, फिर हम हमारे टॉपिक पर इंटर करेंगे। ठीक, चलिए इसको आप पढ़ लो आप, है ना। थोड़ा सा मैं आपको चाहता हूँ कि आप थोड़ा टॉपिक से कोरिलेट कर पाए, डायरेक्ट अगर मैं कफ स्टार्ट करूंगा तो मजा नहीं आएगा, है ना, मतलब आपको पता नहीं लेकिन मेरे को मजा नहीं आएगा। ठीक, चलिए तो देखिए
दोस्त की बात करते हैं तो दोस्त जो है, दोस्त का डेफिनेशन आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जो शरीर को क्या करते हैं, जो जो शरीर को दूषित करते हैं, जो शरीर को क्या करते हैं, दूषित करते हैं, दूषित करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम दोस्त कहते हैं। दोस्त कितने प्रकार के होते हैं, दोस्त कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्त आपको दो प्रकार के देखने को मिल जाएंगे। अगर हम दोस्त की बात करें तो दोस्त कितने प्रकार के होते हैं, तो ये जो दोस्त होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दोस्त कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। बताइए मेरे को, बताइए, एक तो क्या होता है, एक तो होता है आपका शारीरिक दोस्त, है ना, एक क्या होता है आपका, एक आपका होता है शारीरिक दोस्त, ठीक है, और दूसरा आपका कौन सा दोस्त होता है, दूसरा आपका होता है मानसिक दोस्त, है ना, दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, मानसिक दोस्त। ठीक, अगर हम शारीरिक दोस्त की बात करते हैं, अगर हम शारीरिक दोस्त की बात करते हैं तो शारीरिक दोष में क्या क्या आ जाएगा, शारीरिक दोष में आ जाएगा वात पित्त और कफ, क्या हो जाएगा, वात पित्त कफ, है ना, वात, दूसरा क्या आ जाएगा आपका, पित्त, और तीसरा क्या आ जाएगा आपका, कफ। ठीक है, वह अगर हम मानसिक दोष की बात करते हैं तो मानसिक दोष में क्या हो जाएगा, मानसिक दोष में एक तो आपका क्या हो जाएगा, रज हो जाएगा, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर तम हो जाएगा। ठीक है, त्रिगुण सत्व रज तम, तो उसमें से रज और तम जो होते हैं ये क्या करते हैं, मन को दूषित करते हैं। बाकी जो सत्व होता है, सत्व जो होता है, चूंकि चूंकि ये मन को दूषित नहीं करता, ये कैसा होता है, ये मन को दूषित नहीं करता, ये एकदम निर्मल होता है। ठीक है, तो इसीलिए सत्व को मानसिक दोष में नहीं माना है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जो शरीर को दूषित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, दोष कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। जो शरीर को दूषित करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, शारीरिक दोष, और जो मन को दूषित करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मानसिक दोष। शारीरिक दोष में क्या जाएगा, वात पित्त कफ, और मानसिक दोष में क्या हो जाएगा, रज और तम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपको अष्टांग हृदय में एक श्लोक देखने को मिलेगा, वहां पर यह बताया गया है कि ये जो दोष है, ये दोष है, ये जो दोष है, इनको दोष की संज्ञा दी गई है, लेकिन ये दोष से पहले क्या होते हैं, ये दोष से पहले धातु कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये शरीर का धारण करते हैं, ये क्या करते हैं, शरीर का धारण करते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा बोला गया है कि जब जब हमारा जब हमारे शरीर जो होता है, क्या होता है, स्वस्थ होता है, तो ये दोष जो होती है क्या कहलाती है, धातु कहलाती है, लेकिन विकृत अवस्था में ये दोष जो होते क्या कहलाते हैं, दोष कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि इन्होंने ये बोला कि दोष जो होता है, दोष को संज्ञा दी गई है, लेकिन दोष से पहले ये क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं, और ये हमारे क्या करते हैं, शरीर का धारण करते हैं। लेकिन जब मान लो यही चीज, जब मान लो यही दोष क्या करते हैं, हमारे शरीर को विकृत करते हैं, हमारे शरीर को दूषित करते हैं, है ना, हमारे शरीर को क्या करते हैं, दूषित करते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, ये दोष कहलाते हैं। मैंने आपको जब आयुष काम अध्याय पढ़ रहा था तो वहां पर भी सारी चीजें मैंने डिटेल में बताई थी। ठीक, चलिए, तो हमने क्या बोला, जो शरीर को दूषित करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, दोष कहते हैं। दो प्रकार के दोष होते हैं, शारीरिक दोष, मानसिक दोष। शरीर को जो दूषित करते हैं वो शारीरिक दोष, वात पित्त कफ। मन को जो दूषित करता है वो मानसिक दोष, इसमें क्या हो जाएगा, रज और तम आ जाएगा। सत्व जो होता है वो मन को दूषित नहीं करता है, वो कैसा होता है, सत्व होता है, निर्मल होता है। ठीक है, इसीलिए उसे मानसिक दोष में नहीं लिया गया। ठीक, चलिए, अब देखो, अब एक चीज आप देखिए यहाँ पर। अब जैसे कि हम बोलते हैं कि इस संसार में जितनी भी चीजें हैं वो किससे बनी हुई है, पंच महाभूतों से बनी हुई है, है ना, और उसको मैं आपको कुछ इस प्रकार से विजुलाइज कराता हूँ कैसे सारी चीजें पंच महाभूत से बनी हुई है। तो उसके लिए आप ये देखिए सृष्टि उत्पत्ति क्रम, उसके लिए आप ये देखिए क्या, सृष्टि सृष्टि उत्पत्ति क्रम। तो यहां से आपको वो कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा, वो कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि सारी चीजें जो है वो किससे बनी हुई है, पंच महाभूत से बनी हुई है ना। तो अब चूंकि सारी चीजें पंच महाभूत से बनी हुई है तो ऑब्वियस सी बात है, वात पित्त कफ ये दोष भी किससे बने हुए हैं, पंच महाभूतों से बने हुए हैं। तो आज मैं आपको पूरा विजुलाइज करके बताऊंगा, है ना, पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कौन से महाभूत से कौन सा दोष बना हुआ है। ठीक है, तो आप देखो, मैंने आपको बोला ना, आप वीडियो के 5-10 मिनट आप लोग अपना टाइम दे दो, है ना, ताकि मैं आपको दोष का एक कॉन्सेप्ट बता दूं। उसके बाद मैं जब कब दोष स्टार्ट करूंगा तो आपके लिए वो बेहतर रहेगा, मजा आएगा आपको, एक इंटरेस्ट जग जाएगा। ठीक है, चलिए,
तो थोड़ा सा षष्ठी उत्पत्ति क्रम देख लीजिए। जब मैंने आपको सांख्य दर्शन पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको डिटेल में षष्ठी उत्पत्ति क्रम बताया था, वहां पर मैंने आपको बताया था प्रकृति तत्व कौन से होते हैं, न प्रकृति न विकृति तत्व कौन से होते हैं, ठीक है, केवल विकृति तत्व कौन सा होता है ना। तो मैंने आपको डिटेल में षष्ठी उत्पत्ति क्रम बताया था, अव्यक्त क्या होता है, महत क्या होता है, ठीक है, अहंकार क्या होता है, सारी चीजों को मैंने बताया था। लेकिन शॉर्ट में आपको षष्ठी उत्पत्ति क्रम बताऊंगा, और यहाँ पर मेरा मेन मकसद षष्ठी उत्पत्ति क्रम बताने को नहीं है, मेरा मेन मकसद ये है कि कौन से महाभूत से कौन सा दोष बना हुआ है, या संसार की सारी चीजें पंच महाभूत से बनी हुई है, वो आपको बताने का मेरा एक मेन उद्देश्य है षष्ठी उत्पत्ति क्रम बताने का, ठीक है। तो चलिए आप ध्यान से सुनते रहिए, षष्ठी उत्पत्ति क्रम अगर हम देखते हैं तो आप सभी को पता है षष्ठी की उत्पत्ति कुछ इस प्रकार से होती है, षष्ठी की उत्पत्ति कुछ इस प्रकार से होती है, जैसे कि जब क्या होता है, जब क्या होता है प्रकृति, है ना, प्रकृति प्रकृति, या इसे आप क्या बोल लो, इसे आप क्या बोल लो, इसे अव्यक्त बोल दो, इसे आप क्या बोल दो, अव्यक्त बोल दो, ठीक है, या इसे ही आप मूल प्रकृति बोल दो, है ना। यानी कि षष्ठी उत्पत्ति क्रम में जो जड़ होती है, जो जड़ है वो क्या होता है, अव्यक्त तत्व होता है, यह प्रकृति होती है, ठीक है, मूल प्रकृति बोल दो आप, है ना। तो जब इस पर क्या होता है, जब इस प्रकृति पर, है ना, जब क्या होता है, जब इस प्रकृति पर, जब क्या होता है, इस प्रकृति पर क्या पुरुष अपना प्रकाश डालता है, है ना। अब मैंने डिटेल में आपको सारी चीजें बताई थी, जब इस प्रकृति पर क्या होता है, जब इस प्रकृति पर पुरुष जो होता है क्या होता है, प्रकाश डालता है, तो षष्ठी की उत्पत्ति स्टार्ट होना चालू हो जाती है, है ना, षष्ठी की उत्पत्ति होना चालू हो जाती है, ठीक है। तो भी प्रकृति से कौन सा तत्व बनता है आगे, प्रकृति से आपका कौन सा तत्व बनता है, महत बनता है, ठीक है, महत बनता है, ठीक है, फिर महत से क्या बनता है, महत से आगे अहंकार बनता है ना, अहंकार, तीन प्रकार के अहंकार बताए गए, महत से अहंकार बनता है ना, अहंकार कितने प्रकार के बताए गए हैं, तीन प्रकार के अहंकार बताए गए, है ना, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ क्योंकि स्पेस नहीं रहेगी, ठीक है, हाँ। तो महत से अहंकार, तीन प्रकार के अहंकार बताए गए हैं ना, कितने प्रकार के अहंकार बताए गए हैं, तीन प्रकार के अहंकार बताए गए हैं, एक तो क्या हो जाएगा आपका सात्विक, है ना, सात्विक, दूसरा आपका क्या होता है राजसिक, और तीसरा क्या बताया गया, तीसरा आपको तामसिक बताया गया है, ठीक है। तो ये जो सात्विक और राजसिक ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एकादश इंद्रिया, क्या बनाते हैं, एकादश इंद्रिया बनाते हैं, है ना, एकादश इंद्रिया, ठीक है, एकादश इंद्रिया बनाते हैं, है ना। फिर एकादश इंद्रिया में क्या क्या हो जाएगा, पांच कर्म इंद्रिया, पांच आपकी ज्ञान इंद्रिया और एक आपका उभय इंद्रिया, ठीक है। और राजसिक और तामसिक ये इनसे क्या बनता है, इनसे पंच तन्मात्रा क्या बनती है, इससे पंच तन्मात्राएं बनती है, पंच तन्मात्राएं बनती है, ठीक है, इनसे क्या बनती है, पंच तन्मात्राएं, एक मिनट, इनसे क्या बनती है, इनसे पंच तन्मात्राएं बनती है ना, इनसे पंच तन्मात्राएं बनती है। पंच तन्मात्रा आपको पता है, पंच तन्मात्रा क्या होता है, पंच तन्मात्राएं, जैसे कि बात करिए क्या हो जाएगा, पंच तन्मात्रा, पंच तन्मात्रा में क्या जाएगा, शब्द शब्द स्पर्श स्पर्श रूप रस रूप रस और एक क्या हो जाएगा लास्ट में गंध, ठीक है, रूप रस और क्या हो जाएगा, रूप रस और गंध, रूप रस और यहाँ पर क्या हो जाएगा, गंध हो जाएगा, ठीक है। और इन पंच तन्मात्राओं से, इन पंच तन्मात्राओं से क्या बनते हैं, पंच महाभूत बनते हैं, जैसे कि शब्द, शब्द से क्या बनता है आपका, अब आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, देखो शब्द है ना, शब्द से क्या बनता है आपका, शब्द से, शब्द तन्मात्रा से क्या बनता है, शब्द तन्मात्रा से, शब्द तन्मात्रा से आकाश महाभूत बनता है, क्या बनता है, आकाश महाभूत बनता है। स्पर्श से क्या बनता है, स्पर्श से, है ना, स्पर्श से आपका क्या बनता है, वायु महाभूत, है ना, रूप से तेज महाभूत यानी कि अग्नि महाभूत, ठीक है, रस से क्या बनता है, जल महाभूत, जल महाभूत, और गंध से क्या बनता है, पृथ्वी महाभूत। और ये जो पंच महाभूत होते हैं, ये जो पंच महाभूत होते हैं, ये षष्ठी उत्पत्ति क्रम में आखिरी तत्व होते हैं, यानी कि इसके आगे और कोई तत्व है ही नहीं। तो इसे हम ये बोल देते हैं कि संसार की जितनी भी चीजें वो कैसे होती है, पंच महाभूतिक होती है, ठीक है। और आपको दिख भी रहा है षष्ठी की उत्पत्ति प्रकृति से होती है और एंड कहां पर रहता है, पंच महाभूत में हो जाता है, यानी कि सबसे आखिरी जो मिनट पार्टिकल होता है वो क्या होता है, पंच महाभूत होता है।
और इन पंच महाभूत से ही क्या बने हुए हैं, सृष्टि की जितनी चीजें वो सारी बनी हुई है। इसी प्रकार से वात पित्त कफ जो होते हैं ये भी किससे बने हुए हैं, इन पंच महाभूतों से बने हुए हैं। ठीक है, अष्टांग संग्रह में ये बताया गया है, अष्टांग संग्रह में ये बताया गया है कि आकाश और वायु महाभूत दोनों मिलकर किसकी उत्पत्ति करते हैं, वात दोष की उत्पत्ति करते हैं। किसकी करते हैं, वात दोष की उत्पत्ति करते हैं। फिर तेज महाभूत जो होता है वो किसकी उत्पत्ति करता है, ये पित्त दोष की उत्पत्ति करता है। ये किसकी उत्पत्ति करता है, पित्त दोष की उत्पत्ति करता है ना। जल महाभूत और पृथ्वी महाभूत ये दोनों मिलकर कफ दोष की उत्पत्ति करते हैं। किसकी उत्पत्ति करते हैं, ये कफ दोष की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, वही आचार्य चरक क्या बोलते हैं, आचार्य चरक ने क्या बोला कि इन पांच महाभूत में क्या है, एक तो आपका क्या है, सबसे पहले आपका आकाश महाभूत है ना, आकाश महाभूत। आकाश के बाद क्या हो जाएगा, वायु महाभूत हो जाएगा। ठीक है, वायु महाभूत के बाद कौन सा महाभूत हो जाएगा, वायु के बाद आपका तेज महाभूत। तेज के बाद आपका क्या हो जाएगा, जल महाभूत है ना। जल महाभूत के बाद क्या हो जाएगा, पृथ्वी महाभूत। ठीक है, पृथ्वी महाभूत। तो आचार्य चरक ये बोलते हैं, कि इन पांच महाभूत में से आपका जो वायु महाभूत होता है वो किसकी उत्पत्ति करता है, वात दोष की उत्पत्ति करता है। ठीक है, तेज महाभूत जो होता है वो किसकी उत्पत्ति करता है, पित्त दोष की उत्पत्ति करता है ना। और जल महाभूत जो होता है ये कफ दोष की उत्पत्ति करता है, किसकी उत्पत्ति करता है, ये कफ दोष की उत्पत्ति करता है। ठीक है, और इन पांचों तत्वों में से क्या होता है, इन पांचों तत्व में आकाश महाभूत को क्या बताया, आकाश महाभूत को निष्क्रिय बताया, और पृथ्वी महाभूत को क्या बताया, निष्क्रिय बताया। क्या बताया, निष्क्रिय बताया। यानी कि हमारे शरीर में क्या होता है, हमारे शरीर में आकाश महाभूत और पृथ्वी महाभूत, मतलब हमारा शरीर भी कैसा है, पंच महाभूति के। ठीक है, तो इन पांच महाभूत में से आकाश महाभूत से क्या बने हुए हैं, जितने भी क्या होते हैं, खाली स्थान है हमारी बॉडी के, जितने भी खोखली चीजें वो किससे बनी हुई है, आकाश महाभूत से बनी हुई है। और हमारा जो शरीर का आधार है पृथ्वी जो है वो क्या है, पृथ्वी जो है इसको क्या बोला, शरीर का आधार। यानी कि जो ठोस पदार्थ हमारे बॉडी के, जितने भी जो आपको ये शरीर दिखाई दे रहा है, ये किससे बना हुआ है, ये पृथ्वी महाभूत से बना हुआ है। ठीक है, और ये जो तीन है ना, कौन सा, वायु महाभूत, तेज महाभूत और जल महाभूत, ये तीनों कैसे होते हैं, ये तीनों क्रियाशील होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये वात पित्त और कफ की उत्पत्ति करते हैं। वायु जो होता है वात की, तेज जो होता है पित्त की, और जल जो होता है कफ की। और इन तीनों महाभूत, ये जो तीन दोष है, इसी से क्या होती है, हमारी बॉडी में जितनी भी क्रियाएं होती है वो इन्हीं तीनों से होती है। जैसे कि अगर मैं वात दोष की बात करता हूं, तो वात दोष का मुख्य काम क्या होता है, हमारे शरीर में जितनी भी गतिविधियां होती है, जितनी भी संवेदनाएं होती है ना, जितनी भी पीड़ा होती है, तो वो किस कारण होती है, वो वात दोष के कारण होती है। रस रक्त आदि का बहना है ना, धातुओं का इधर से उधर जाना, वो सब कुछ किसके थ्रू होता है, यानी कि जितनी भी क्रियाएं होती है, गति वाली क्रियाएं, वो वात दोष के कारण होती है। और वात दोष ही क्या करता है, पित्त और कफ को स्टिमुलेट करता है, क्योंकि वात दोष एकमात्र ऐसा दोष है जो गति करता है, पित्त और कफ जो होते हैं दोनों क्या होते हैं, गतिमान नहीं होते हैं। तो ये किसके सहायता से गति करती है, वात दोष की सहायता से क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम पित्त की बात करते हैं, तो पित्त जो होता है इसका कर्म क्या होता है, हमारे शरीर में ऊष्मा को पैदा करना, दाह कर्म करना है ना, पाचन कर्म करना, जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती है, स्रोतस में आप मान लो या यकृत में आप मान लो, यानी कि लीवर में, यानी कि हमारे बॉडी में जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये पित्त दोष रिस्पॉन्सिबल होता है। भाई अगर मैं कफ दोष की बात करता हूँ, तो हमारे शरीर में स्निग्धता लाना, हमारे शरीर में स्थिरता लाना, हमारे शरीर में दृढ़ता लाना, ये किस कारण होता है, ये कफ दोष के कारण होता है। तो यही तीनों दोष जो होते हैं इनसे क्या होता है, हमारी बॉडी में जितनी भी क्रियाएं होती है वो होती है। ठीक है, हमारी बॉडी में जितनी भी क्रियाएं होती है वो किस कारण होती है, इन तीनों दोष से ही होती है। ठीक है, और यही तीनों दोष जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं रोग की उत्पत्ति से, रोग की उत्पत्ति जो होती है इन तीनों दोष के कारण ही होती है। यानी कि जब क्या करते हैं, हमारे शरीर का धारण करते हैं, तो वे क्या करते हैं, अपने जो जो कर्म है वो करते हैं। ठीक है, लेकिन जब मान लो ये दूषित हो जाते हैं, जब मान लो इनकी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जब मान लो इन तीनों में से किसी का क्या होता है, क्षय हो जाता है,
तो हमारे शरीर में क्या होता है, किसी न किसी प्रकार का रोग होता है। तो मेरा कॉन्सेप्ट जो था, मेरा जो मेन मकसद था सृष्टि उत्पत्ति क्रम बताने को, ये था कि हमारे संसार में जितनी भी चीजें वो किससे बनी हुई है, पंच महाभूत से बनी हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया सृष्टि की उत्पत्ति जो होती है प्रकृति से स्टार्ट होती है, लास्ट में पंच महाभूत पर जाकर खत्म हो जाती है। इसका मतलब यह है कि पंच महाभूत जो वो आखिरी पार्टिकल्स है जिनसे क्या बनी हुई है, पूरी सृष्टि बनी हुई है। और हम भी कैसे है, पंच महाभूत के, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम भी कैसे पंच महाभूत के, मतलब हमारे शरीर जो होता है उसका आधार क्या है, पृथ्वी है। जितनी भी खोखली चीजें वो क्या है, आकाश से बनी हुई है। बाकी जो क्रियाशील चीजें है, यानी कि क्रियाशील हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती है वो वात पित्त कफ के कारण होती है ना। और अगर मान लो इनका क्षय या वृद्धि हो जाता है तो हमें किसी न किसी प्रकार का क्या होता है, रोग होता है। तो फिर हमें क्या करना है, वात पित्त और कफ इन तीनों की ही चिकित्सा पर काम करना है, ठीक है। क्योंकि यही क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बॉडी में जितने फंक्शन करने के लिए, वात पित्त कफ रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर मान लो इनमें अगर मान लो हमारी बॉडी में किसी न किसी प्रकार का रोग हुआ है तो जरूर वो किससे संबंधित है, वात पित्त और कफ से संबंधित है। तो इसीलिए आयुर्वेद में सबसे ज्यादा महत्ता दी जाती है इन तीनों दोषों की, इसकी वात पित्त और कफ की, ठीक है। तो ये पढ़ना जरूरी हो जाता है। आपको वात के स्थान के बारे में पता होना चाहिए, इसके कर्म के बारे में पता होना चाहिए, इनके वात की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पित्त और कफ भी आप ले लो, तो तीनों के आपको स्थान के बारे में है ना, कर्म के बारे में सब कुछ आपको इनका पता होना चाहिए। अगर इनका क्षय हो जाएगा, इनकी वृद्धि हो जाती है तो कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है। क्योंकि आयुर्वेद में चिकित्सा जो होती है इन तीनों के इर्द गिर्द ही होती है, ठीक है। तो इसीलिए आयुर्वेद में सबसे ज्यादा जो महत्ता दी गई है वो इन वात पित्त कफ पर ही दी गई है, क्योंकि ये क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑल द टाइप ऑफ फंक्शन विच आर टेकिंग प्लेस इन अवर बॉडी, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर अलग अलग वात के बारे में पढ़ेंगे, पित्त के बारे में पढ़ेंगे और हम कफ के बारे में पढ़ेंगे। और आज हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो किस पर रहेगा, कफ दोष पर रहेगा, है ना। आज मैं आपको कफ दोष की व्युत्पत्ति बताऊंगा, कफ दोष की निरुक्ति बताऊंगा, ठीक है। साथ में मैं इसके स्थान बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था किसका, दोष का। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। जो लोग यूट्यूब पर लेक्चर देख रहे हैं, और अगर आपको मेरे से पर्सनली पढ़ना है ना, यानी कि आपको अगर रेगुलर क्लासेस चाहिए तो आप आयुर्वेदा विंग्स एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप जैसे ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे वहाँ पर आपको BMS फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे उसमें रजिस्टर करते हैं, इनरोल करते हैं, तो आपको वहाँ पर रेगुलर क्लासेस मिलेगी और लेक्चर के आपको वहाँ पर सारे नोट्स मिल जाएंगे। और इसी तरह से एकदम सारी चीज़ों को मैं कॉन्सेप्ट से पढ़ाता हूँ, ठीक है। चाहे आप दोषों की बात कर लो, चाहे आप दर्शन की बात कर लो, चाहे आप संस्कृत की बात कर लो, मैं हर एक चीज जो होता है एकदम कॉन्सेप्ट से आपको सारी चीजें बताता हूँ। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल डाउनलोड कीजिए, ठीक है। अभी वहाँ पर ऑफर भी चल रहा है नवरात्रि का, तो आपको 4000 का कोर्स 2800 के आसपास मिल जाएगा। तो इस बेनिफिट को आप लीजिए, है ना, इस अपॉर्चुनिटी को आप जाने मत दीजिए और फटाफट आप इनरोल कर लीजिए। अगले 15 से 20 दिन में मैं क्रिया शरीर का टर्म 2 पूरा खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए, तो इस तरह से क्या होता है, ये मैंने पूरा आपको सबसे पहले दोष का कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको एक चीज और बताना देना चाहता हूँ कफ को स्टार्ट करने से पहले, कि ये जो पांच महाभूत है ना, ये पांच महाभूत, इसको आप अपनी पांच उंगलियों से बता सकते हैं, यानी कि पांच उंगलियां जो है इनको पांच महाभूत का प्रतीक माना है। जैसे कि ये जो अंगूठा है इसको किसका, ये अंगूठा जो है इसको किससे, किसका प्रतीक माना है, प्रतीक बताया गया है आकाश का, ठीक है। इसको वायु का, देखो अंगूठे को आकाश का, इसको वायु का, इसको किससे, इसको जो होता है तेज से, अग्नि से, है ना, इसको जल से और इसको पृथ्वी से, है ना। इसीलिए आप देखना जैसे कि मैंने क्या बोला था कि वात जो होता है हमारे शरीर में जितनी भी गतिविधियां होती है वो वात दोष से होती है। तो इसीलिए देखना, आप जब किसी को बुलाते हो इस तरह से बुलाते हैं, इस तरह से, यानी कि ये क्या होता है, ये गति के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको किसका माना था, इसको किसका प्रतीक माना है, अग्नि का। तो इसलिए आप देखना, जब आप तिलक लगाते हैं तो तिलक आप किसे लगाते हैं, इस तरह से लगाते हैं, इस तरह, क्यों, क्योंकि अग्नि का प्रतीक होता है, ठीक है। और जब आप क्या करते हैं, जल छिड़कते हैं, आज देखना आप जल छिड़कते हैं तो इस तरह से छिड़का जाता है, इस तरह से, इस उंगली से, इस उंगली से, ठीक है। तो इसका मतलब इसको किसका प्रतीक माना है, जल का प्रतीक माना है, ठीक है। और इसको लास्ट रूप में पृथ्वी का प्रतीक माना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, पांच महाभूतों को क्या कर सकते हैं, उंगलियों से भी प्रतीक मानकर बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से पूरा दोष का कॉन्सेप्ट था। अब नाउ आज हम फोकस करेंगे इस पर, कफ दोष पर, ठीक। चलिए, तो वापस हम अपने नोट्स पर आते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप मेरे को
पूछ सकते हो। ठीक, चलिए तो बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं और नोट्स पर जाते हैं। इसको सेव कर देता हूं। चलिए तो वापस हम अपने नोट्स पर आ गए। अब स्टार्ट करते हैं हमारा जो टॉपिक है उसे। ठीक है, चलिए तो यहां पर सबसे पहले क्या बताया गया है, यहां पर सबसे पहले कफ की व्युत्पत्ति एवं निरुक्ति के बारे में बात की गई है। तो कफ की निरुक्ति के बारे में यहां पर क्या बोला, कफ की निरुक्ति के बारे में ये बोला कि श्लीष आलिंगने धातु में जब आप क्या करेंगे, मनिन प्रत्यय करेंगे, है ना, तो उससे क्या होगा, श्लेष्म शब्द सिद्ध होता है। जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है मिलन, संयोग या आलिंगन। यानी कि ये जो श्लीष, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि श्लेष्मा जो होता है वो क्या करता है, हमारे शरीर में मिलन का कार्य करता है, यानी कि जोड़ने का कार्य करता है। हमारे शरीर में क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। जोड़ने, क्या जोड़ने का कार्य, चाहे आप हड्डी को बात कर लो, चाहे आप मांसपेशियों की बात कर लो, चाहे आप सिराओं की बात कर लो, तो ये जितना भी जुड़ाव होता है हमारा शरीर जो है, इसमें स्थिरता जो आती है, हमारे शरीर में जो दृढ़ता आती है, तो वो किस कारण आती है, वो कफ दोष के कारण आती है। तो यहाँ पर क्या बोला कि ये जो श्लीष आलिंगन धातु है, जिसका मतलब क्या होता है, आलिंगन करना, मिलन करना या जोड़ना, तो ये पूरे काम जो होते किसके होते हैं, श्लेष्मा के होते हैं। और श्लेष्मा शब्द की उत्पत्ति किससे होती है, जब आप श्लीष आलिंगन धातु में मनिन प्रत्यय करते हैं तो उससे श्लेष्मा शब्द बनता है, जिसका मतलब क्या होता है, मिलन करना, है ना, मिलन, मिलन यानी कि जोड़ना। क्या जोड़ना, तो आप सभी को पता है कि कफ का जो कार्य होता है वो क्या होता है, हड्डियों को जोड़ के रखता है, मांसपेशियों को जोड़ के रखता है, सिराओं को जोड़ के रखता है, यानी कि हमारे शरीर में जितने भी जोड़ने के कार्य होते हैं वो किस कारण होते हैं, वो कफ दोष के कारण होते हैं। क्योंकि इसका कार्य जो होता है वो जोड़ने के कार्य, जोड़ना होता है ना, और जोड़ने का जो मतलब होता है वो किस धातु से लिया गया है, श्लीष आलिंगने से लिया गया है। तो अगर आप श्लीष आलिंगने धातु में मलिन प्रत्यय करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, श्लेष्म शब्द बन जाएगा। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, मिलन करना, संयोग करना या आलिंगन करना। ठीक, उसके बाद यहाँ पर व्युत्पत्ति के बारे में बताया कि इसकी किससे व्युत्पत्ति होती है। तो मैंने आपको डिटेल में बताया था कि जल महाभूत जो होता है उससे क्या होता है, कफ दोष की व्युत्पत्ति होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वही चीज यहाँ पर बताई गई है, केन जलेन फणति इति कफ, यानी कि कफ शब्द की निरुक्ति हुई है ना, मतलब इससे क्या हुआ है, कफ शब्द की निरुक्ति हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, जल धातु से जिसकी उत्पत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, कफ कहते हैं। तो मैंने आपको षष्ठी उत्पत्ति क्रम में डिटेल में बता दिया कि जल महापुरुष से कफ की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो देखो जो भी चीज मैं पढ़ाता हूँ ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ होता है। जैसे कि आप देखिए ये लाइन यहाँ पर आ गई, अगर मैं आपको डायरेक्ट बताता कि जल महापुरुष से क्या होता है या जल धातु से कफ की उत्पत्ति होती है तो शायद आप रट लेते, लेकिन मैंने आपको विजुलाइज करके बताया कि किस प्रकार से जल महापुरुष से कफ की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शेष आलिंगन में अगर आप क्या करेंगे, मनिन प्रत्यय करेंगे तो उससे क्या होगी, कफ की उत्पत्ति होती है, जिसका मतलब क्या होता है, आलिंगन, मिलन या जुड़ाव। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं केन जलेन फणति इति कफ, इस शब्द से क्या हुआ है, कफ की निरुक्ति हुई है, जिसका मतलब क्या होता है, जिस दोष की जल महापुरुष से क्या होती है, उत्पत्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कफ कहते हैं। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कफ के पर्याय के बारे में बात की गई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए, कफ जो होता है इसको हम बल भी बोल देते हैं, इसको श्लेष्मा भी बोला गया है और इसको ओज भी बोला गया है। ठीक है, प्राकृत अवस्था में आपका जो कफ है क्या कहलाता है, बल कहलाता है या ओज कहलाता है, और विकृत अवस्था में आपका जो कफ है वो क्या कहलाता है, मल कहलाता है। ठीक है, तो प्राकृत अवस्था में श्लेष्मा को बल कहते हैं, है ना, और प्राकृत कफ जो होता है वो ओज कहलाता है, और विकृत कफ जो होता है वो क्या कहलाता है, मल कहलाता है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं कफ के गुण के बारे में। अब देखो वात पित्त कफ के श्लोक, चाहे वो गुण हो, चाहे वो कर्म हो, चाहे वो स्थान क्यों, चाहे वो भेद क्यों, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वात पित्त कफ के आपको श्लोक याद होना ही चाहिए। ठीक है, वाइवा में भी पूछता है और थ्योरी में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको श्लोक के साथ लिखना है। ठीक है, मतलब कम से कम ये तो याद होना ही चाहिए। ठीक, चलिए तो यहाँ पर क्या बोला, कफ के गुण के बारे में बात की गई है। तो ये जो कफ के गुण किसके अनुसार है, अभी चरक के अनुसार है। तो चरक कफ के गुण बताते हुए क्या बोलते हैं, गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिछला, यानी कि ये जो कफ होता है वो कैसा होता है, चरक के अनुसार गुरु होता है, गुरु यानी कि भारी, है ना, कैसा होता है, गुरु होता है, है ना, गुरु। दूसरा शीत, शीत यानी कैसा होता है, ठंडा होता है। मृदु, मृदु यानी कि सॉफ्ट होता है। ठीक है, स्निग्ध, इसमें क्या होती है, चिकनाहट होती है ना। मधुर होता है, मधुर रस में पाया जाता है। ठीक है, स्थिर यानी कि स्टेबल होता है,
और पिच्छिल, पिच्छिल यानी कि चिपचिपा होता है। कैसा होता है ये? चिपचिपा होता है। ठीक है, आगे चरक ने क्या बोला? आगे चरक ने बोला श्लेष मन प्रशम यान्ति विपरीत गुणेर गुणा। तो यहाँ पर ये बोला कि अगर आप क्या करते हैं, अगर आप इन गुणों के विपरीत गुण वाले द्रव्यों का सेवन करते हैं तो उससे क्या होता है? प्रशमम, उससे क्या होता है? कफ का शमन होता है। तो इन गुण वाले द्रव्यों का आप सेवन करेंगे तो कफ का क्या होगा? शमन हो जाएगा। और यही इसकी क्या है? चिकित्सा है। अगर मान लो कफ की वृद्धि हो जाती है तो आपको क्या करना है? जो कफ के गुण है तो इसके विपरीत गुण वाले द्रव्यों को आपको क्या करना है? रोगी को देना है। तो उससे क्या हो जाएगा? कफ वापस बैलेंस आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि हमारी बॉडी में रोग होते हैं तो किस कारण होते हैं? वात पित्त कफ, इनके इम्बेलेंसेस के कारण होते हैं। तो आपको क्या करना है? इनको वापस बैलेंस में लाना है। तो वात पित्त कफ तीनों के जो जो भी गुण है तो उसके अनुसार आपको क्या करना है? चिकित्सा करना है। कफ की वृद्धि हो गई है तो कफ को आपको क्या करना है? कम करना है। तो कम करने के लिए आप क्या करेंगे? उसके जो गुण है उसके विपरीत गुण वाले द्रव्यों को आप दे दो। तो उससे क्या हो जाएगा? उससे कफ वापस अपने स्थान पर आ जाएगा। ठीक, चलिए। तो देखिए, अब यहाँ पर चरक के अनुसार गुरु होता है, शीत होता है, मृदु, स्निग्ध, स्थिर, पिच्छिल, ये गुण वाला होता है। और इसके विपरीत गुण वाले द्रव्यों से क्या होता है? कफ का शमन होता है। ठीक, चलिए। अब हम बात करते हैं सुश्रुत के अनुसार। सुश्रुत क्या बोलते हैं? यहाँ पर क्या बोला? श्लेष्मा श्वेतो गुरु स्निग्ध पिच्छिल शीत एव च मधुर स्तव विदग्ध शाद्विदग्धो लवण स्मृत। तो यहाँ पर क्या बोला सुश्रुत ने? कफ के गुण बताते हुए ये बोला कि श्लेष्मा जो होता है ना, कि कफ, श्लेष्मा का मतलब क्या हो जाएगा? कफ। ठीक है, तो कफ जो होता है वो कैसा होता है? श्वेत, श्वेत यानी कि सफेद वर्ण का होता है, सफेद वर्ण का होता है। ठीक है, गुरु होता है यानी कि कैसा होता है? ये भारी होता है ना, भारी होता है। स्निग्ध, स्निग्ध यानी कि चिकनाहट होती है। पिच्छिल, चिपचिपा होता है, ठंडा होता है। और जब ये क्या होता है? प्राकृत अवस्था में होता है। और यहाँ पर ये बोला आगे, आगे की लाइन में ये बोला मधुर स्तव विदग्ध, क्या बोला इन्होंने? प्राकृत अवस्था में। अगर ये क्या होता है? प्राकृत अवस्था में होता है। ठीक है, प्राकृत अवस्था में होता है, प्राकृत अवस्था में होता है तो मधुर रस का होता है। इसमें कौन सा रस पाया जाता है? मधुर रस पाया जाता है। और विकृत अवस्था में इसमें लवण रस पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए। उसके बाद हम बात करते हैं वाग्भट के अनुसार। तो वाग्भट क्या बोलते हैं? स्निग्ध शीतो गुरुर मंदस लक्षण मतस्नः स्थिर कफः। यानी कि कैसा होता है? स्निग्ध होता है, चित होता है, गुरु होता है, मंद होता है, लक्षण होता है ना, मृतस्न यानी कि चिपचिपाहट इसमें होती है, स्थिर, ये सब क्या होते हैं? कफ के गुण होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर चरक के अनुसार मैंने बताया आपको, सुश्रुत के अनुसार बताया, वाग्भट के अनुसार बताया। ठीक है, एग्जाम में किसी के अनुसार भी पूछ सकते हैं, तो मैंने सारी चीज यहाँ पर कवर कर दी है। ठीक, चलिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर संक्षेप में कफ के गुण के बारे में बात की गई है। फिजिकल गुण क्या क्या है, भौतिक गुण क्या क्या है? तो क्या बोला? ये गुरु होता है, शीत होता है, मृदु होता है, स्निग्ध होता है, स्थिर होता है, पिच्छिल होता है, श्वेत और मंद होता है। रासायनिक गुण यानी कि केमिकल बेसिस पर इन्होंने क्या बोला? कि प्राकृत अवस्था में इसमें मधुर रस होता है, व्यकृत अवस्था में इसमें लवण रस होता है। ठीक है, और मानसिक गुण तम गुण प्रधान, यानी कि आप कफ में देखेंगे तो कफ में कौन से गुण की प्रधानता होती है मानसिक गुण की? तो वो तम गुण प्रधान कफ होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मानसिक गुण से अक्सर एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से अक्सर एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आ सकता है, एक मार्क्स का एमसीक्यू है। ठीक है, एक मार्क्स का एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक, तो ये आपको याद होना चाहिए कि तमगुण प्रधान होता है मानसिक, किसमें? कफ में। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं कफ के स्थान, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, स्थान के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर चरक ने क्या क्या स्थान बताए कफ के, क्या बोला है इन्होंने यहाँ पर? उरह शिरो ग्रीवा पर्वाण्यमाशयो मेदश्च श्लेष्मणः स्थानानि। ठीक है, तत्रा प्योरो विशेषणे श्लेष्मणः स्थानम। तो यहाँ पर क्या बोला चरक ने? क्या बोला? उरह यानी कि आपका चेस्ट रीजन जो होता है ना, अरे तो यहाँ पर क्या बोला? उरह में पाया जाता है, सिर में पाया जाता है, हेड रीजन में है ना, ग्रीवा नेक रीजन में पाया जाता है, पर्व में पाया जाता है, अमाशय में पाया जाता है और मेद में पाया जाता है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? श्लेष्मा के स्थान होते हैं। और इसका विशेष स्थान क्या बताया? इसका विशेष स्थान यहाँ पर क्या बताया? वक्ष बताया। वक्ष चरक के अनुसार वक्ष जो होता है वो क्या होता है? इसका विशेष स्थान होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि चरक के अनुसार
अदरक ने जो विशेष स्थान का आपका बताया है, तो वो क्या बताया है, वो वक्ष को बताया है। इसके अलावा सिर, ग्रीवा, पर्व यानी कि ज्वाइंट्स, आमाशय तथा मेद में कब पाया जाता है, किसके अनुसार, अदरक के अनुसार। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं सुश्रुत के अनुसार। सुश्रुत ने क्या बोला, अमाशय श्लेष्मण, यानी कि श्लेष्मा जो होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, वो अमाशय में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, अमाशय यानी कि स्टोमक में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर पाया जाता है, स्टोमक में पाया जाता है। एक मिनट यार, मोबाइल को साइलेंट कर देता हूँ। तो कहाँ पर पाया जाता है, वो अमाशय में पाया जाता है सुश्रुत के अनुसार। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं कफ के स्थान हम भागवत के अनुसार देखते हैं। तो भागवत क्या बोलते हैं, भागवत ने क्या बोला कि वैसे तो ये दोष जो होते हैं वो क्या होते हैं, सर्व शरीर व्यापी होते हैं, लेकिन 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 सबसे अधिक मात्रा में जो पाए जाते हैं, जैसे अगर हम बात की बात करें तो नाभि के नीचे अधोभाग में, पित्त की बात करें तो हृदय और नाभि के मध्य में, और कफ की बात करें तो ये हृदय के ऊपरी भाग में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्या बोला, उरह कंठ शिरक लोम प्रवाण्यमाशय रस मेदो घ्राणम च जिह्वा च कफस्य सुतरामुरह, है ना, सुतरामुरह। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला, उर कंठ शिर पर्व अमाशय मेद के अतिरिक्त, यानी कि उर हो गया कंठ शिर पर्व अमाशय मेद, यहाँ पर तो होता है, इसके अतिरिक्त भागवत ने ये बोला कि क्लोम रस घ्राण जिह्वा ये भी क्या होते हैं, कफ के स्थान होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने क्या देखा, आज हमने दोष का कॉन्सेप्ट देखा, और इसके बाद हमने कफ की निरुक्ति देखी, कफ के गुणों को देखा, इसके स्थान को देखा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको कर्म पढ़ा दूंगा, उसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको भेद पढ़ा दूंगा, उसके नेक्स्ट लेक्चर में दोषों की क्षय और वृद्धि बता दूंगा कफ दोष की। ठीक है, इस तरह से हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, और जो यूट्यूब पर लेक्चर देख रहा है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दिया करो यार, इतने सारे व्यूज रहते हैं लेकिन लाइक वहाँ पर 5 से 10 होते हैं, तो क्या होता है कि थोड़ा, मतलब मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसा होता है कि वो स्टूडेंट अगर नहीं आता है तो वो लगता है कि लाइक तो है ही नहीं यहाँ पर, शायद इसने अच्छा नहीं पढ़ाया होगा, तो इसलिए बस एक लाइक करने में क्या है, पैसा तो लग नहीं रहा है। ठीक है, तो कर दिया करो। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।